है बॉक्स जिसमें सारी मेरी लिपस्टिक है। Hey everyone, welcome back to my channel. This is Aishi Rangna. I hope you all are doing great. आज मैं आपके साथ दिखाने वाली हूँ जो भी मेरा लिपस्टिक का कलेक्शन है या ये जो एक बॉक्स है, क्योंकि इससे पहले मैंने अपना सारा स्किन केयर प्रोडक्ट आपसे शेयर किया था। तो आज मैं ये बॉक्स ऑर्गेनाइज करने जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, और इसमें जो भी लिपस्टिक के शेड है जो मैं यूज़ करती हूँ वो इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉम्पैक्ट है, लिपस्टिक है और लिप बाम है, बस इसमें यही है। तो मैं एक एक करके आपसे शेयर करती हूँ और शेड भी दिखाने की कोशिश करूँ। बॉक्स जिसमें सारी मेरी लिपस्टिक है तो, और ये बहुत ज़्यादा फैल भी गया तो मैं सोची इसके साथ में इसे ऑर्गेनाइज भी कर दूँगी। तो मैं सारा पहले निकाल लेती हूँ। और ये देखो, ये बॉक्स भी काफ़ी गंदा हो गया था, इसे क्लीन करेंगे पहले। एक मिनट, इस बॉक्स को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, बस पानी से डालकर किसी टॉवल से मैंने इसे अच्छे से पोंछ लिया है। तो क्लीन है, अब एक एक लिपस्टिक दिखाते जाऊंगी, इसमें रखती जाऊंगी। ठीक है, इसको रखते हैं यहाँ पे। ओके चलो, जो मेरी फर्स्ट लिपस्टिक है वो है ममा अर्थ का, इसका शेड है 04 सिनेमन न्यूड। और इसका शेड मैं तो खोलकर भी दिखा दे रही हूँ, ये न्यूड शेड है और काफ़ी अच्छा शेड है। मैं इसे यूज़ करती हूँ, ये डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट है ये ममा अर्थ का, ये बच्चे शोर कर रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है। एक और ममा अर्थ की लिपस्टिक है, ये भी ममा अर्थ की लिपस्टिक है और इसका शेड नेम है 09। और इसका भी मैं कलर दिखा देती हूँ, ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन है, वो लाइट ब्राउन में शेड है, ये डार्क ब्राउन में शेड है। दोनों लिपस्टिक बहुत ही अच्छी है। और जो नेक्स्ट लिपस्टिक है ये है रहने की, जिसमें 5 शेड आता है। जो आपको बाहर शेड दिख रहा है ना, एग्जैक्ट अंदर भी सेम शेड है, तो आप बाहर से इसे देख लो। यहाँ पर इसे लगाते हैं। ये जो 2 लिपस्टिक है ये मैंने मिनीसो से परचेज़ किया था, ये भी न्यूड शेड है। मतलब कि मेरे पास मोस्टली ऐसा होगा कि लिपस्टिक न्यूड में ही होगी, तो ये तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। अब तो ये मिलता भी नहीं है, मैं इसे बहुत बचा कर रखी हूँ, थोड़ा सा बचा हुआ है। और इसका शेड है, किधर मेंशन होगा, 06। और ये भी मिनीसो का ही है, ये भी न्यूड शेड है, ये देखो। और इसका शेड नेम है 06, ये भी है सॉफ्ट न्यूड। ये दोनों मिनीसो की है और आई थिंक 75 रुपीज़ की ये लिपस्टिक थी, क्योंकि उस समय मिनीसो पे सेल चल रहा था तो मैंने इन दोनों को परचेज़ किया था। और ये सेम शेड की है लिपस्टिक जो कि इवॉन की है, एक तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है तो मैंने सेकेंड रीपरचेज़ किया। ये देखो, ये बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि ये लिप्स को मॉइस्चराइज रखता है, इसलिए मुझे ये काफ़ी पसंद आया था। और ये कुछ इस टाइप का शेड है, ये देखो। इसे भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। ये भी जो 2 लिपस्टिक है ये भी इवॉन की है, इसका शेड है, क्या है शेड, कोरल, कोरल शेड है। ये भी एक मैं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, ये भी ख़त्म हो चुका था तो मैंने सेकेंड रीपरचेज़ किया है। ये है कोरल न्यूड लिपस्टिक, इसका भी मतलब ये भी काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है, इसलिए मैंने रीपरचेज़ किया है। इसे भी यहाँ लगाते हैं। और ये लिपस्टिक है वेस्ट साइड की, अगेन न्यूड शेड है और इसका शेड नेम है NB01। और ये मैट लिपस्टिक है, लाइक ये भी देख सकते हो, ये भी सेम न्यूड शेड में, ये काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है। तो इस, ये अगेन वेस्ट साइड की लिपस्टिक है, ये शायद ऑरेंज शेड में होगी या न्यूड, पता नहीं। हाँ, ये लाइट ऑरेंज शेड में है, जैसे देख सकते हो। और ये अगेन वेस्ट साइड की लिपस्टिक है, ये आई थिंक न्यूड में होगी। हाँ, ये न्यूड शेड में, ये भी काफ़ी अच्छा शेड है। तो ये भी वैसे, क्योंकि वेस्ट साइड में लिपस्टिक बहुत ही कम प्राइस में मिलती है, सारी 100 या 150 की रेंज में होगी। और ये मेरी है लैक्मे की फर्स्ट लिपस्टिक जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये न्यूड पिंक होगा आई थिंक। हाँ, ये बहुत मुश्किल से खुला है। ये है न्यूड पिंक लिपस्टिक, ये गिर गई थी इसलिए थोड़ी सी मतलब ऐसे ख़राब हो गई है, लेकिन आप शेड देख सकते हो, काफ़ी अच्छा शेड है। इसको भी लगाओ और क्या है, ओ भाई गिर मत, उल्टा लगा दिया मैंने। और ये है इवॉन की लिपस्टिक, इसका शेड है
दिख नहीं रहा भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा इसमें। ये भी न्यूड शेड है, ये देखो ये तो काफ़ी अच्छा शेड है। ये मैट में बिल्कुल लिप्स को मॉइस्चराइज नहीं करता, बट मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसे भी मैंने बचा कर ही रखा है। ठीक है, ये भी एवॉन की है, ये मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती, मुझे ये बिल्कुल कलर पसंद नहीं आता या मेरे ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब से ली हुई सेम ऐसे ही मेरे इसमें पड़ा रहता है, कभी कभी यूज़ कर लिया तो कर लिया वरना नहीं। और ये भी एवॉन की लिपस्टिक है रेड कलर में, रेड में वैसे यूज़ नहीं करती, ये भी पड़ा रहता है। इसका शेड है क्या है, सनसेट यही नाम लग रहा है मुझे तो, जो भी हो। ठीक है, खड़ा हो जा भाई। ये अगेन एवॉन की है, ये तो नाम से पता चल रहा है न्यूड लिपस्टिक है, बट इसका भी शेड मैं दिखा देती हूँ। सेम शेड के मेरे पास बहुत सारे हैं, लाइक वेबसाइट के भी सेम शेड है, एवॉन के भी सेम शेड है, बट मुझे ये काफ़ी पसंद आता है इसलिए। और ये मैंने रिसेंटली परचेज़ किया नायका सेल से, मेवलिन का, इस पर भी लाइक 50% का डिस्काउंट चल रहा था। और आप इसे भी देख सकते हो, ये भी डार्क ब्राउन शेड में है, ये काफ़ी अच्छा है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो ये भी मैंने सेल से लिया था, ये भी आई थिंक 150 रुपीज़ का था या कुछ ऐसी समथिंग, और शायद हाँ। ये जो छोटा सा लिपस्टिक है, लिक्विड लिपस्टिक, इसमें 6 शेड है, मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे तो नहीं है, शायद मैंने कहीं और रखा है, अभी लेकर आती हूँ, 2 मिनट वेट करना। ये देखो इसके कुछ 5 शेड मिल जाते हैं जो कि सारे न्यूड शेड है, मुझे काफ़ी पसंद आया। न्यूड पिंक, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, ये भी ब्राउन शेड में, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है लिप्स पे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये सारे एक साथ आए थे, तो ये है सारे लिक्विड लिपस्टिक, इसको डालती हूँ मैं ऐसे। और एक और मेरे पास लिक्विड लिपस्टिक है, ये है ममाअर्थ की, जो कि इसका शेड नेम है 01, तो ये भी काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है, इसको भी यहाँ डालो। और ये मैंने परचेज़ किया था जूडियो से, ये भी रिसेंटली परचेज़ किया, ये भी न्यूड है, ये 99 रुपीज़ की है। और ये शायद पता नहीं मैंने कहाँ से परचेज़ किया था, ये भी न्यूड शेड में है, तो ये तो शायद 50 या 99, ये भी ऐसी प्राइस का है ये। और ये है मेरा लिप बाम जो कि मेबलिन का है, ये अगेन लिप बाम है जो कि जूडियो का है, और ये अगेन लिप बाम है जो है डॉट एंड की का, इसमें SPF भी है, बट ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और जो चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई वो है रहने की PH स्टिक, ये काफ़ी अच्छी लिपस्टिक, लिप बाम नहीं, लिपस्टिक तो नहीं है, लिप बाम ही है। खुल जा भाई, इसके अंदर देखना क्या बिल्कुल सुंदरता आएगा, निकल जा। ये देखो ये बिल्कुल ब्लैक कलर का है, जब आप इसे लगाओगे तो पिंक शेड देता है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आप अगर इसे लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो, ये देखो कैसे राउंड राउंड बिल्कुल घूमता है ये। एक और लिपस्टिक रह गई है, ये आयुर्वेदिक शॉप से लिया था मैंने, ये अगेन न्यूड है, ये भी काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है, तो ये यहाँ डालो। एक है वैसलिन का लिप बाम, ये भी है वैसलिन का लिप बाम, 2 लिप बाम है। और इसमें और प्रोडक्ट है, ये शुगर का कॉम्पैक्ट जो कि मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ, ख़त्म हो चुका है, बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, इसे मैंने रीपरचेज़ भी किया है। एक कॉम्पैक्ट है ममाअर्थ का, जो कि इसे भी मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ, और इसका शेड है 02 क्रीम ग्लो। ठीक है, एक मैंने रिसेंटली न्यू कॉम्पैक्ट परचेज़ किया है के ब्यूटी का, तो इसे अभी यूज़ नहीं किया है, इसमें ये भी था। और एक मैंने ममाअर्थ से परचेज़ किया है लिप चिक एंड आई टिंट, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ। इसकी पैकेजिंग काफ़ी क्यूट सी और अट्रैक्टिव सी है, ये छोटे से शेड में आता है, ये न्यूड है बिल्कुल, बट हाँ ये आपके आई और लिप पे बिल्कुल भी नहीं अच्छे से वर्क करता, ये सिर्फ चिक के लिए, बट इसमें मेंशन है ऐसा कि ये सब पे वर्क करता है, बट मुझे ऐसा नहीं लगा। एक छोटा सा मिनिसो का ब्रश है, इसमें एक मैंने वॉच रखा है फास्ट ट्रैक का, और चलो इसकी भी इनर पैकेजिंग दिखाई देती हूँ, जब सबका दिखा दिया मैंने तो। ये है, किधर से ओपन होगा, ये भी क्यूट सा सिंपल सा है, और इसका शेड है 100 एंड लाइट, और इसमें एप्लीकेटर नहीं है, ये कुछ इस टाइप का शेड है। इसे मैंने एक बार भी ट्राई नहीं किया, तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है,
और एक है एवॉन का बीबी क्रीम, क्योंकि ये नियर एक्सपायरी है इसलिए मैंने इसमें डाल के रखा ताकि ये ख़त्म हो जाए। ये बॉक्स मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया, इधर सारी लिपस्टिक आ गई, जो जो लंबी लंबी थी उसे मैंने पीछे कर दिया। यहाँ पे छोटी लिपस्टिक है, ये कॉम्पैक्ट है, ये लिपस्टिक टिंट है। तो ये था मेरा सारा इस डब्बे का सामान, और ये सारे सामान इसमें नहीं आए तो इन्हें हटाकर अलग रखूँगी, क्योंकि इसके साथ रखना नहीं था, बट जब इसे ऊपर ही डाल देती हूँ क्योंकि ये नियर एक्सपायरी है, ये यूज़ हो जाएगा। पर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये फिट नहीं हो रहा, ऐसे छोड़ देती हूँ। ये था मेरा सारा लिपस्टिक का कलेक्शन, और सारा अच्छा है, एक दो मुझे पसंद नहीं आता तो मैं यूज़ नहीं करती, ऐसी पड़ा हुआ है। मोस्टली मुझे न्यू शेड काफ़ी पसंद है तो मैं परचेज़ करती हूँ सारे लिपस्टिक, लाइक 100, 200, पर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो 250 का होगा, इससे ज़्यादा प्राइस का मैंने लिपस्टिक नहीं लिया है, क्योंकि मैं जब भी परचेज़ करती हूँ सेल से करती हूँ, ममा अर्थ का बाय वन गेट वन से लेती हूँ या नायका पे हर लिपस्टिक।